अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं जो हूँ वो ट्राइपॉड रिंग लाई हूँ। बेसिकली मैंने जो है वो बहुत जगह पे सर्च किया कि कहीं पे अच्छी रिंग लाइट मिल जाए, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट से मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इसलिए मैं सदर मार्केट गई और वहाँ से मैं लेके आई सिर्फ 700 रुपीज़ में रिंग लाइट विथ ट्राइपॉड। तो मैं यहाँ पे जो हूँ वो चेक कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है वो मिली हैं इसके साथ, और ये आपस में कैसे जो है वो कनेक्ट होंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसे आप जो है वो इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो मैं बस वही चेक कर रही हूँ कि ये जो स्टैंड मिला है ये कहाँ पे लगेगा। फिर मुझे पता चलेगा कि भाई ये तो मोबाइल का स्टैंड है और ये यहीं पे लगना चाहिए लाइट के पास, और उसके बाद मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि ये आपस में इंटीग्रेट कैसे होगा। तो फाइनली मुझे जो है पता चल गया कि इसे लाइट को टेढ़ा करके और फिर इसको आप इंटीग्रेट करोगे आपस में तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये चेक करें, यहाँ पे कवर्स तो मिले ही नहीं है इसके। फाइनली ये इंटीग्रेट हो गया और अब मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि इसकी हाइट कितनी है। लेकिन गाइस, इसकी हाइट जो थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा थी। तो मैं इसे कनेक्ट करके चेक कर रही हूँ कि वाकई ही ये काम की चीज है या नहीं, क्योंकि यार 700 में और इतनी अच्छी चीज मिल जाए आजकल के दौर में पॉसिबल नहीं है। इसकी हाइट भी बहुत अच्छी थी और लाइट्स भी जो थी, ये चेक करें आप, ये मैंने ऑन करके रखा हुआ है और मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। उसके बाद मैं चली गई मार्ट, क्योंकि मुझे मंथली ग्रॉसरी करनी थी। तो मैंने सोचा यार आज पैदल नहीं जा रही, आज मैं चिंची में जाऊंगी। तो मैं बैठ गई चिंची में जाने के लिए मार्केट। गैस यही सीन होता है मेरे साथ, जब जब मैं जाती हूँ ना चिंची में, मौसम बहुत अच्छा होता है, दिल करता है क्यों मतलब मैं बैठ के चिंची में पैदल ही चली जाती। यहाँ पे पहुँच के सबसे पहले जो है मैंने चावल देने थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, कंफ्यूज हो गई मैं। फिर जिसके साथ फ्री मसाला था वही ले लिया मैंने। मैंने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की शॉपिंग की, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था मोबाइल यूज़ करना, तो बस छुप छुप के जितनी हो सकी वो मैंने की। बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था वैसे। रास्ते में मैं रुक गई चाट के स्टॉल पे। चाट जो है ना वो मेरी कमजोरी है, मतलब जहां पे नजर आ जाए ना मैं रुक जाती हूँ। घर आने के बाद हमने जो है वो बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी। यार बहुत भूख लग रही थी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाने लगे बिरयानी। यहाँ पे जो है वो प्याज फ्राई हो रही थी बिरयानी के लिए, और मैंने आलू भी काट लिए थे। अब मैं वेट कर रही थी कि हल्के गोल्डन हो ताकि मैं आलू उसमें डाल दूँ, और मुझे फील हुआ कि ये गोल्डन जो है वो उसका आ रहा है, तो मैंने आलू डाल दिए। गाइस मैं तो जल्दी आलू डाल देती हूँ क्योंकि कहीं कच्चे ना रह जाएं, इसलिए। और मैं यही चावल लेके आई हूँ, अभी मैं यही चावल यूज़ करूँगी बिरयानी के लिए। तो मैंने चावल भी निकाल लिए थे ताकि मैं भिगो दूँ उसको सीधे के लिए। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं लाल मिर्च और टमाटर। टमाटर के साथ जो है मैं हल्का सा नमक भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ने बोला था कि ना अगर आप टमाटर के ऊपर नमक डालते हो तो वो जल्दी गल जाते हैं। तो नमक डाल के मैं इसको कवर कर लूँगी ताकि वो हीट से गल जाए। आप लोग पता नहीं कैसे बनाते होंगे, लेकिन भाई मैं तो ऐसा हॉस्टल बनाती हूँ, क्योंकि मैंने कुकिंग सीखी एक्सपेरिमेंट कर करके हॉस्टल में। तो यहाँ पे मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, हल्दी और गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर और बिरयानी पैकेट। मैं थोड़ा ज़्यादा मसाला डालती हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है चटपटा।
अब मैंने सारे मसाले डाल के रख लिए हैं, और मेरे पास असल में कल की भी थोड़ी मतलब कल का भी थोड़ा सा सालन था, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर लिया। अब मैं वेट कर रही हूँ कि ना भाई वो थोड़ा सा थिक हो जाए, और ये थिक हो गया, ऑयल भी निकल गया, तो मैंने साइड में कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ ताकि चावल बॉयल हो सके। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है वैसे, तो मैं यहाँ पे गरम मसाला और नमक ऐड कर दूंगी चावल को बॉयल करने के लिए। पानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है इनसे, चावलों में। तो मेरे चावल भी बॉयल हो चुके हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अलग अलग खिलखिला के खड़े हुए हैं। मैंने सारी चीजें रेडी करके रखी हुई हैं, बिरयानी दम के लिए लेयर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिया, उसके ऊपर जो है मैंने सालन डाल दिया, और अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी और धनिया ऐड करूँगी और उसके ऊपर बिरयानी मसाला। और ऐसे ही मैंने दो तीन लेयर्स लगाई और बिरयानी को रख दिया दम के ऊपर। थोड़ी देर के बाद जो है दम आ गया था, 15-20 मिनट के बाद, और मैंने चेक किया, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही थी, दिल कर रहा था अभी खा लूँ। चेक करें गाइस कितनी अच्छी लग रही है, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितनी अच्छी बन गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाई थी और जल्दी से लेके फिर मैंने खा ली। आफ्टर बिरयानी दिल चाह रहा था कि यार कुछ और भी खा लूँ, तो मैं चली गई थी नीचे आइसक्रीम लेने के लिए, और मैंने यहाँ से पकड़ी दो आइसक्रीम्स जो कि 80 रुपीज़ की थी, और घर आई जाके खोला और ये देखें इतनी छोटी सी, मतलब यार या तो हम बहुत बड़े हो गए इस आइसक्रीम के लिए, या तो हमारा मुल्क जो है ना वो शायद बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूब गया है कि भी 80 रुपए की आइसक्रीम और इतनी छोटी सी, दो बाइट्स में ही खत्म हो गई गैस। ये चेक करें, लाइट आई है 10:30 बजे, और अब मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको बाकी के नोटिफिकेशंस मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।